रानिया रोड श्री तारकेश्वरम धाम स्थित अलक निरंजन भवन में श्री जीर्ण माता का मंगल पाठ का आयोजन किया गया। सिरसा के विधायक हालोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा और वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने मंगल पाठ का आयोजन किया, जिसमें कांडा परिवार ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर आशीष देशवाल चंडीगढ़ और मिताली अरोड़ा सूरतगढ़ राजस्थान के भजनों पर देर रात तक श्रद्धालु झूमते रहे। जीर्ण माता की आरती के बाद सभी को प्रसाद का वितरण किया गया। भजनों के बीच में श्रद्धालुओं खासकर बच्चों को खिलौने दिए गए। साथ ही सबसे पहले पंडित संदीप शर्मा ने नवगृह का पूजन संपन्न करवाया। गोविंद कांडा और उनकी धर्मपत्नी सरिता कांडा ने ये पूजा अर्चना संपन्न करवाई। इसके बाद गोविंद कांडा ने ज्योति प्रज्वलित की और ध्वजा चढ़ाई तो सरिता कांडा ने मां को 16 श्रृंगार भेंट किए। विधायक गोपाल कांडा और उनकी धर्मपत्नी सरस्वती कांडा ने पूजा अर्चना की और मां को चुन्नी चढ़ाई। इसके बाद में लखराम कांडा, छवि कांडा, पुनीत नारंग, सुशील नारंग, राहुल गर्ग, दया गर्ग, हर्षा हिमांशु, महान कांडा, संगीता कांडा, त्रिलोक चंद, दिल्ली के प्रख्यात उद्योगपति राकेश बिंदल और परिजनों सुमन कंदई, धवल कांडा, धैर्य कांडा, शुभम और अन्य परिजनों के साथ साथ अन्य गणमान्य लोगों ने पूजा अर्चना कर श्री जीर्ण माता का आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण किया। तो आपको बता दें कि जीर्ण माता का मंगल पाठ का आयोजन किया गया और साथ ही साथ अलक निरंजन भवन में इस मंगल पाठ का आयोजन किया गया। तो सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने पूजा अर्चना की और उनके साथ उनकी धर्म पत्नी भी मौजूद थी।